नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूं एक और प्रोडक्ट का, जिसे मैं खुद अमेज़न से परचेज किया है अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए। तो मैंने ये सोचा, जब इसे मंगा ही लिया है तो क्यों ना इसे आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। दोस्तों, ये रहा वो पार्सल जिसे मैंने अमेज़न से परचेज किया है। इसके अंदर क्या है, चलिए आप लोगों को बताते हैं। बेसिकली इसके अंदर दो ऐसे झंडे हैं जिसे मैं अपने घर के छत के ऊपर लगवाने वाला हूं। आखिरकार कौन सा ये झंडा है और इसे लगवाने का क्या फायदा है, किस वजह से आप इस झंडे को अपने घर के छत के ऊपर लगा सकते हो, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्वालिटी का झंडा मेरे को मिला है, क्या फायदा है इस तरह के झंडे को आपके घर के छत के ऊपर लगवाने से। इन डिटेल वास्तु शास्त्र के हिसाब से, ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से क्या फायदे हैं इन झंडों का आपके घर के छत के ऊपर लगवाने का, वो इन डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो पार्सल है मैंने खुद अमेज़न से मंगवाया है और इसके ऊपर लिखा हुआ है 100% सेटिस्फेक्शन गारंटीड। लेकिन क्या वाकई में इसका जो क्वालिटी है वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपका जो एक्सपेक्टेशन है उसको मीट करता है या नहीं, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। थोड़ा सावधानी से इसे काटना पड़ेगा क्योंकि बाय चांस थोड़ा बहुत भी उल्टा सीधा ये कट गया तो पूरा झंडा बेकार हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, निकालते हैं उन झंडों को। तो ये रहा दो झंडे जिसे मैंने मंगवाया है। ये रहा पहला झंडा, और ये रहा दूसरा झंडा। क्वालिटी और इसका पैकिंग तो बढ़िया है, मेरे को अच्छा लगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दोनों ही का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, सिल्क का बना हुआ है। और इसके साथ ये फ्री गिफ्ट मिला है जिसमें लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री फ्री गिफ्ट सरप्राइज गिफ्ट ऑन नेक्स्ट परचेज। तो सरप्राइज को अनफोल्ड करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। यहाँ पे अमेज़न से परचेज करने के लिए, प्रोडक्ट परचेज करने के लिए एक थैंक यू लेटर है और इसके साथ एक छोटा सा झंडा, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ओम लिखा हुआ एक छोटा सा झंडा यहाँ पे मिल गया है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री मिला है और ये जो दो झंडा है ये मैंने खुद परचेज किया है। तो चलिए फटाफट से दोनों झंडों को पूरी तरह से खोल के आपको दिखाते हैं कि ये झंडा आखिरकार कैसा दिखता है। तो दोस्तों, आपने देखा जो तीन झंडा मेरे को मिला है, एक तो कॉम्प्लीमेंटरी मिला है मेरे को, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ओम लिखा हुआ झंडा जो आप अपना छत के ऊपर लगवा सकते हो। इसे लगाने का क्या फायदा है, अगर आप एक हिंदू हो और एक सनातनी हो तो आपको पता होगा इस झंडे का महत्व। तो ये फ्री मिला है मेरे को, छत के ऊपर आप कहीं भी अपना बालकनी में, अपना छत में इसको आप लहरा सकते हो। ये जो झंडा है वो आपके लिए गुड लक लेके आएगा, आपके घर के लिए एक अच्छा माहौल बनाएगा और जितना भी गलत या नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर करता है। तो ये ओम लिखा हुआ झंडा मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री मिला है। तो आपको दिखाते हैं दूसरा झंडा कौन सा है। ये रहा वो दूसरा झंडा जिसे मैं अपने छत के ऊपर लगवाने वाला हूँ। देखिए, बहुत ही बड़ा झंडा है, इस पर भी ओम लिखा हुआ है और ये जैसे कि आप देख सकते हो मैं 6 फीट का हूं और झंडे का साइज से आपको पता लग जाएगा कि आखिरकार ये झंडा कितना बड़ा है। बहुत ही बड़ा झंडा है और इसका जो क्वालिटी है, फिट एंड फिनिश है, वो बहुत ही लाजवाब है। बहुत ही बढ़िया कपड़ा है जैसे कि आप देख सकते हो और इसका जो शाइन है वो वाकई में लोगों का ध्यान अपने तरफ खींचेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो।
इसको जब मैं अपना छत में लगवाऊंगा तो उसका वीडियो में इस चैनल में इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा कैसे इसको मैं अपने छत पे इंस्टॉल करता हूँ। और जो तीसरा झंडा है जिसे मैंने मंगवाया है वो है स्वस्तिक बना हुआ, जैसे कि आप देख सकते हो। ये भी उतना ही बड़ा झंडा है जैसे कि आप देख सकते हो, कम से कम 3 फुट बाय 4 फीट का ये झंडा है, बहुत ही बड़ा है। और इसका भी जो फिट एंड फिनिश है, जो क्वालिटी है, वो वाकई लाजवाब है। तो पैकेट के ऊपर जो लिखा हुआ था ये बात कि 100% सेटिस्फेक्शन गारंटेड, तो हाँ सही में आई एम फुली सेटिस्फाइड विद द प्राइस दैट आई हैव पेड एंड दिस प्रोडक्ट रियली लिव्स अप टू माय एक्सपेक्टेशन। अब रहा सवाल ये जो झंडा है वो मैंने किस लिए खरीदा है। दोस्तों अगर आप किसी भी मंदिर को देखोगे, किसी भी पूजा स्थल को देखोगे, या जो लोग इसके बारे में जागरूक है, आप किसी के भी छत पे चले जाओगे तो आपको दिखेगा कि कुछ लोग अपने घर के ऊपर इस तरह के झंडे को लहराते हैं। इससे क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी दूर होता है, भगवान का जो कृपा दृष्टि है वो आपके घर के ऊपर बना हुआ रहता है। अगर आपके साथ कोई भी अनहोनी होना है या आपका घर के ऊपर कोई अनहोनी होना है तो उसे भी ये दूर करने में मदद करता है। दूसरी तरफ जब भी आप इन झंडों को देखोगे हवा में लहराते हुए, आपके मन में एक अजीब सा खुशी का एहसास होगा। आपके घर के लिए, आपके घर के लोगों के लिए ये जो झंडे है गुड लक लेके आता है। और अगर आप एक सनातनी हो तो गर्व से इन झंडों को आपको अपना घर के छत के ऊपर लहराना जरूर चाहिए, ताकि आपका घर के ऊपर भगवान का कृपा दृष्टि बना रहे, आपका शुभ लाभ हो, और जितना भी नेगेटिविटी है, जितना भी आपका स्ट्रेस है, वो सारा का सारा दूर हो सके और एक पॉजिटिव वाइब आपके घर के अंदर हमेशा मौजूद रहे। तो ये झंडा जो है वास्तु शास्त्र के हिसाब से, ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी बड़े मंदिर में आप चले जाओगे इस तरह का झंडा आपको मंदिर के शिखर पे लहराता हुआ दिख जाएगा। तो यही वजह है मैंने इस झंडे को मेरे अपने घर के लिए मंगवाया है। और अगर आप इन झंडों को पर्सनली परचेज करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके इन झंडों को आप परचेज कर सकते हो। छोटा हो, इतना अगर बड़ा झंडा नहीं लगवाना है, छोटा झंडा भी ऑनलाइन अवेलेबल है, उनका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ूंगा। आप छोटा चाहे छोटा लगवाएं, बड़ा झंडा हो तो बड़ा झंडा लगवाएं। लेकिन हाँ, अगर आप एक सनातनी हो, आपके घर के ऊपर भगवान का कृपा दृष्टि बना रहे, उसे इंश्योर करने के लिए इन झंडों को जरूर लगवाएं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप परचेस कर सकते हो।